नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा डीएड के एडमिशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएड के लिए एडमिशन का जो एक नोटिस आया था, सर्कुलर आया था RCI का, उसमें कहा गया था कि सेकेंड ऑफ वीक में, यानी कि जो अगस्त का दूसरा सप्ताह होगा, उसमें नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। काफी सारे अभ्यर्थी परेशान थे, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की गई है। साथ ही साथ कब तक आएंगे आपके फॉर्म और क्या संभावना बन रही है कि किस हिसाब से आपके एडमिशन होंगे, मेरिट पर होंगे एडमिशन या आपके एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन होंगे। तो दोस्तों, चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को उन मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा जो एडमिशन कराना चाहते हैं और वाकई दोस्तों परेशान हैं एडमिशन के लिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक और PDF वहां पर सेंड कर दी जाती है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। बात करूंगा इस सेशन की। जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों RCI का नोटिस देखा था कि दोस्तों सेकेंड वीक में, अगस्त के दूसरे सप्ताह में आप लोगों का जो नोटिस था, जो एडमिशन की प्रोसेस थी, उसको जारी करने की बात की गई थी। लेकिन आज हो गया है संडे और आप सभी ने आज मनाया 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता का 75वां साल, अमृत महोत्सव आज मनाया गया। और अभी तक RCI की तरफ से ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं जारी किया गया जिसमें कि एडमिशन की बात कही गई हो। तो दोस्तों, कब तक आएगी आपकी नोटिस? अगर नोटिस की बात की जाए तो इस महीने में, लगभग अगला सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और इसी महीने में आप लोगों के जो फॉर्म हैं वो आ जाएंगे और जो एडमिशन की प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना मान के चलिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। दूसरी बात, किस बेस पर होंगे आपके एडमिशन, मेरिट पर होंगे या आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा? तो दोस्तों, ज़्यादातर जो संभावनाएं बन रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरिट के हिसाब से आपके जो एडमिशन्स हैं वो होंगे, 12th की मेरिट के बेस पर आपके एडमिशन्स होंगे। जैसा कि पिछले बार जो सत्र था उसमें शुरू किया गया था मेरिट का बेस, तो उसी हिसाब से 12th की मेरिट के बेस पर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि एडमिशन्स होंगे। जानकारी आपको कैसी लगी? बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पल पल की अपडेट दोस्तों आपको देता रहूंगा स्पेशल एजुकेशन की। धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जैसे ही आप लोगों के लिए कुछ नई न्यूज़ मिलती है, हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। धन्यवाद।